कुंभ नगरी के लोगों के जहन में किन्नरों ने अमिट छाप छोड़ दी है। जूना और अग्नि अखाड़ा की पेशवाई में किन्नर पहली बार हरिद्वार कुंभ में शामिल हुए। किन्नरों को देखने के लिए सड़कों पर जन सैलाब उमड़ा रहा। किन्नरों का राजशाही वैभव और श्रृंगार देखकर हर कोई हैरान रहा। आचार्य महामंडलेश्वर ने ऊंट पर सवार होकर हाथ में तलवार लेकर अपने अखाड़े का नेतृत्व किया। अन्य किन्नर रथों पर सवार होकर निकले। इनकी एक झलक पाने के लिए बच्चों और बुजुर्गों से लेकर महिलाएं घंटों इंतजार में खड़ी रही। ऊंट और किन्नरों के रथ सामने आते ही आशीर्वाद की लेने की होड़ दिखी। पेशवाई में किन्नरों की संख्या भले ही करीब 200 रही, लेकिन दर्शकों की खूब वाहवाही लूटी। पांडेवाला से पेशवाई शुरू होने से पहले ही हजारों लोग वहां पहुंच गए। हर कोई किन्नरों की एक झलक के लिए बेताब दिखा। पेशवाई की अखाड़ों की छावनी में प्रवेश करने तक हर जगह लोगों की भीड़ रही। लोग अपने घरों और दुकानों की छतों और सड़कों पर किन्नरों के रथ पर नजर चढ़ाए थे। रथों के सामने से गुजरते ही हर कोई उनके राजशाही अंदाज देखकर दंग रह गया। आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी के माथे पर त्रिपुंड और गले में रुद्राक्ष और सोने की मालाएं थी। हाथों की अधिकतर उंगलियों में हीरे और मोती जड़ित अंगूठियां थी। आचार्य महामंडलेश्वर को देखने और आशीर्वाद लेने को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्सुकता दिखी। अखाड़ा की सभी किन्नर महामंडलेश्वर अपने अपने रथों पर सवार हीरे मोती और सोने के आभूषणों के साथ कीमती वेशभूषाएं पहने थी। कई लोगों ने किन्नरों पर फूल के साथ नोट भी बरसाए ताकि किन्नरों के स्पर्श कर उन्हें वापस मिल सके। कई जगहों पर उन्हें किन्नरों ने दर्शक को नेक भी दिया। अगर आपको वीडियोस पसंद आए तो प्लीज हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं काजल आपके लिए कुछ नई जानकारी और वीडियोस जल्दी लेकर आती रहूंगी। थैंक यू।